नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में मानव स्वास्थ्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पीलिया एक प्रकार का विषाणुजनक रोग है। यह मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। मानव शरीर के कौन से भाग को प्लस गार्ड कहते हैं? टॉन्सिल को। विडाल परीक्षण का प्रयोग किस बीमारी की संभावना का पता लगाने के लिए करते हैं? विडाल परीक्षण का प्रयोग टाइफाइड को पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयु के बाद मनुष्य की आंख के लेंस में अपारदर्शिता उत्पन्न होने लगती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 5, स्कारलेट ज्वर एक गंभीर बीमारी है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? डिक परीक्षण। डिक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उदरी पेशियों के दुर्बल होने से मनुष्य की आंत अंडकोश की ओर गतिमान हो जाती है, इस अवस्था या बीमारी को क्या कहते हैं? हॉर्निया। क्या? हॉर्निया। क्वेश्चन 7, सूर्य के किरणों में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से कौन से रोग होने की संभावना रहती है? त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। क्वेश्चन 8, सर्वप्रथम नैदानिक जीन चिकित्सा पद्धति किस बीमारी के उपचार में प्रयोग में लाई गई थी? एडनोसिन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 10, भौतिक माध्यमों फिजिकल एजेंट यथा ताप, बर्फ और कसरतों के द्वारा बीमारी के उपचार की पद्धति क्या कहलाती है? फिजियोथेरेपी। क्या कहलाती? फिजियोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 11, मानव रक्त में एक कारक जिसकी कमी के कारण रुधिर का स्कंदन नहीं हो पाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 12, वर्णांधता से ग्रस्त मानव कौन से दो अंगों में विभेद नहीं कर पाता है? लाल एवं हरा। लाल एवं हरा रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। वर्णांधता से ग्रस्त मानव कौन से दो रंगों में विभेद नहीं कर पाता है? लाल एवं हरा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण करने का श्रेय किस चिकित्सक को है? क्रिश्चियन बनार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जलीय प्राणियों के साथ उपयोगी पौधों का संवर्धन करने की पद्धति क्या कहलाती है? एक्वा कल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में नागफली को रोकने के लिए किस कीट का प्रयोग किया जाता है?
कैटोब्लास्टिस कैटोरम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पाश्चरीकरण की विधि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? लुई पाश्चर ने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी खाद्य पदार्थ को भाप द्वारा उच्च ताप पर गर्म कर लंबे समय तक संरक्षित करने की विधि डिम्बाबंदी कहलाती है। इस विधि में ताप का स्तर कितना रखते हैं? 120 से 120 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी खाद्य पदार्थ को भाप द्वारा उच्च ताप पर गर्म कर लंबे समय तक संरक्षित करने की विधि डिब्बाबंदी कहलाती है। इस विधि में ताप का स्तर कितना रखते हैं? 120 डिग्री से 126 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जो कि रेबीज वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विलियम हार्वे चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में किस लिए प्रसिद्ध हैं? विलियम हार्वे चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में किस लिए प्रसिद्ध हैं? रुधिर प्रवाह के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे रोग जो मानव शरीर में जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऐच्छिक पेशियों का संकुचन तथा जबड़े में जबरदस्त ऐंठन किस बीमारी में होता है? टिटनेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सीसी मक्खी के काटने से कौन सा अंग रोग फैलने की संभावना बन जाती है? अफ्रीकन निद्रा रोग। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सामान्य रूप से पाया जाने वाला मलेरिया का प्रकार कौन सा है? प्लाज्मोडियम वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 25, एक ऐसी बीमारी जिसमें मनुष्य का पैर हाथी के पैर जैसा हो जाता है, इस बीमारी को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? फाइलेरेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रुधिर कोशिकाओं के कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसी औषधियां जिन पर व्यक्ति धीरे धीरे निर्भर होते चला जाता है, बाद में यह विषन की श्रेणी में आ जाता है, इन दवाइयों को क्या कहते हैं? साइकोट्रॉपिक औषधियाँ। क्वेश्चन नंबर 28, संपूर्ण भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए बृहत स्तर पर वर्ष के किन दो दिवसों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है? 18 जनवरी एंड 17 सितंबर को।
क्वेश्चन नंबर 29। तालाब व पोखरों में रहने वाले मच्छरों के लार्वा को खाकर ख़त्म करने के उद्देश्य से कौन सी मछली डाली जाती है? गैम्बूसिया मछली जो कि तालाब में जो मच्छर के लार्वा होते हैं उनको खा जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन। दुनिया में कौन से देश में सर्वप्रथम एड्स बीमारी का पता चला? अफ्रीका में का पता चला 1981 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस।